Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers Hafizabad. Today our subject is Mathematics Class 4 Unit 2 Lecture 2. Unit 2 है place value. इस concept के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Place value से मुराद एक ऐसी numerical concept होता है, ऐसा numerical concept होता है जिसके जरिए हम किसी भी number में मौजूद हर digit की value find कर सकते हैं या उसकी place find कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन वन का पार्ट बी है. इसके प्रीवियस पार्ट्स हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, अब नेक्स्ट इसके पार्ट्स करते हैं. पार्ट बी है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट अंडर द लाइन. नीचे दिए गए कुछ नंबर्स हैं और उनमें कुछ डिजिट्स को अंडरलाइन किया गया है, उन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू हमने फाइंड करनी है. क्वेश्चन वन है 78501. तो अंडरलाइन डिजिट जो है वो 8, तो 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8000. इस तरह क्वेश्चन टू है 19765. तो अंडरलाइन डिजिट 5 है इसलिए 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही होगी. क्वेश्चन थ्री है 31548. तो अंडरलाइन जो डिजिट है वो है 3, तो 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 30000. क्वेश्चन फोर 207085. तो 7 अंडरलाइन डिजिट है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू होगी 7000. क्वेश्चन फाइव है 1,28,663. तो 2 अंडरलाइन डिजिट है इसलिए 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20,000. क्वेश्चन 6 है 5,41,276. तो अंडरलाइन डिजिट 6 है इसकी प्लेस वैल्यू होगी 6. क्वेश्चन 7 है 1,56,930. तो 6,006 की प्लेस वैल्यू होगी. क्वेश्चन 8 है 1,95,411. तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 90,000. क्वेश्चन नंबर 9 है 7,81,133. तो 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 80,000. क्वेश्चन 10 है 4,46,175. तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6,000. क्वेश्चन 11 3,71,842. तो 7 की प्लेस वैल्यू होगी 70,000. क्वेश्चन 12 6,91,125. तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 90,000. नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 पार्ट ए, स्किप काउंटिंग इन टेंस एंड राइट द नेक्स्ट नंबर्स. नीचे दिए गए कुछ अमाउंट्स हैं या कुछ नंबर्स हैं, इनमें से हर नंबर्स में से 10 हमने ऐड करते जाना है और नेक्स्ट नंबर लिखते जाना है. जैसे फर्स्ट नंबर है 4790. तो अगर हम इसके लास्ट वाले टू डिजिट्स यानी यूनिट्स और टेंस, तो टेंस वाले जो डिजिट्स हैं उनमें 10-10 ऐड करते जाना है तो नेक्स्ट नंबर लिखते जाना है. जैसे 4790 है तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 4800. इस तरह इसमें मज़ीद 10 ऐड करेंगे 4810, 4820, 4830. इसी तरह नेक्स्ट है 5730. तो नेक्स्ट डिजिट होगा 5740, 5750, 5760, 5770. इसी तरह बाकी तमाम नंबर्स में भी हमने टेंस ऐड करते जाना है और उसके नेक्स्ट नंबर्स को लिखते जाना है. क्वेश्चन टू है 8850. तो इसका नेक्स्ट नंबर होगा 8860, 8870, 8880, 8890. क्वेश्चन थ्री है 1220, 1230, 1240, 1250, 1260. उसके बाद है क्वेश्चन फोर 3650, 3660, 3670, 3680, 3690. क्वेश्चन फाइव है 9940. तो इसके नेक्स्ट वाले नंबर्स होंगे 9950, 9960, 9970, 9980. क्वेश्चन सिक्स है 6170. तो नेक्स्ट नंबर होगा 6180, 6190, 6200, 6210. उसके बाद है पार्ट बी, स्किप काउंटिंग इन हंड्रेड्स एंड राइट द नेक्स्ट नंबर्स. पार्ट ए में हमने टेंस टेंस ऐड किए थे लास्ट वाले टू डिजिट्स में. अब हम इसमें हंड्रेड्स का इंटरवल रखेंगे, यानी हंड्रेड को ऐड करके बाकी नंबर्स इसमें लिखेंगे. जैसे एग्जांपल है
77,519, तो 500 है, इसके बाद इसमें 100 ऐड करने के बाद 77,619 हो जाएगा। इसी तरह 77,719, 77,819, 77,919, यानी 100 का इंटरवल रखेंगे हम इसमें। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन वन है 33,309, तो नेक्स्ट नंबर होगा 33,409, 33,509, 33,609, 33,709। क्वेश्चन टू है 55,110, तो नेक्स्ट नंबर होगा 55,210, 55,310, 55,410, 55,510। क्वेश्चन थ्री 60,220, तो नेक्स्ट नंबर होगा 60,320, 60,420, 60,520, 60,620। क्वेश्चन फोर है 88,180, तो नेक्स्ट नंबर होगा 88,280, 88,380, 88,480, 88,580। क्वेश्चन फाइव 22,207, तो नेक्स्ट नंबर होगा 22,307, 22,407, 22,507, 22,607। नेक्स्ट है पार्ट सी, स्किप काउंटिंग इन थाउजेंड्स एंड राइट द नेक्स्ट नंबर्स। अब इन नंबर्स में हमने थाउजेंड का इंटरवल रखना है और नेक्स्ट नंबर लिखते जाना है। एग्जांपल देख लेते हैं 40,590, तो अगर हम थाउजेंड का इंटरवल रखें तो नेक्स्ट नंबर होगा 41,590, 42,590, 44,590। नेक्स्ट है क्वेश्चन वन 32,301, तो थाउजेंड के इंटरवल के साथ हम लोग इसको यू लिखेंगे 33,301, 34,301, 35,301, 36,301। क्वेश्चन टू है 51,109, तो नेक्स्ट नंबर होगा 52,109, 53,109, 54,109, 55,109। क्वेश्चन थ्री है 73,777, तो नेक्स्ट नंबर होगा 74,777, 75,777, 76,777, 77,777। क्वेश्चन फोर है 90,999, तो नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास 91,999, 92,999, 93,999, 94,999। क्वेश्चन फाइव 60,666, तो नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास 61,666, 62,666, 63,666, 64,666। नेक्स्ट है होमवर्क, प्रैक्टिस पेज 7 और 8, पेज 7 और 8 की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।